रोहन ने कुछ दिन पहले ही पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया था और शहर में उसकी ज्वाइनिंग थी। एक दिन रोहन की माँ और बहन सुबह सुबह जंगल के पास वाले रास्ते से जा रहे थे, तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से उन्हें बहुत बदबू आने लगती है। रोहन की बहन तुरंत पेड़ के पास जाती है तो वहाँ झाड़ियों में मोर पड़े हुए थे। मोर की हालत बहुत खराब थी और एक दो नहीं बल्कि कई सारे मोर थे। ये देख रोहन की बहन तुरंत अपने भाई को फोन लगाती है और कहती है, भैया रॉक गार्डन के पीछे आओ जल्दी, कोई बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, किसी ने मोर को मारा है। ये सुनकर रोहन भी तुरंत गार्डन में पहुंच जाता है और मोर की तस्वीरें लेता है और छानबीन शुरू कर देता है। ये तो हमारा राष्ट्र पक्षी है, लगता है किसी ने जानबूझकर मोर को मारा है। मामला कुछ सीरियस लगता है, मुझे डिटेक्टिव मेहुल की मदद लेनी चाहिए। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है। मेहुल सबसे पहले मामले को अच्छी तरह से देखता है और फिर वहाँ जंगल में आसपास सभी लोगों को बुलाता है और पूछताछ करता है। यहाँ एक साथ बहुत सारे मोर को मारा गया है और उनके पंख काट लिए गए हैं। आप में से जरूर किसी ने कुछ देखा होगा, मुझे सच सच बताओ। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में से कोई भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि भीड़ में खड़ा एक आदमी इस मामले के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है। कैसे मेहुल को ये कैसे समझ गया लॉजिकल आर्मी इतनी भीड़ में कि वो कौन हो सकता है, सोचिए सोचिए। सामने खड़े लोगों को ध्यान से देखिए, उनमें से लाल शर्ट वाला आदमी धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा है और खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मेहुल इसी से समझ जाता है कि ये आदमी डर रहा है, मतलब इसे कुछ ना कुछ जरूर पता है। मेहुल उस आदमी के पास जाकर पूछताछ करता है तो आदमी डरते हुए बताता है कि दो दिन पहले इस जंगल में एक सफेद रंग की कार से कुछ लोग आए थे। मैं ये बाजू वाले खेत की फसल काट रहा था तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शहर के लोग दिख रहे थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन उस आदमी की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी मेहुल को ये कैसे समझ गया, सोचिए सोचिए। आसपास के खेतों को ध्यान से देखिए, चारों तरफ हरी भरी फसल लगी हुई है और कहीं पे भी फसल कटने का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो आदमी कौन सी फसल काट रहा था, कौन से खेत की फसल काट रहा था, वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है तो वो आदमी रोने लगता है और मेहुल से कहता है, सर वो लोग एक बोरे में बहुत सारे मरे हुए मोर लेकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें झाड़ियों के पीछे से देख लिया था तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपए देके मुंह बंद रखने के लिए कहा था, इसके सिवा सर मुझे सच्ची कुछ नहीं पता है। जंगल में रॉक गार्डन के पीछे एक बहुत बड़ा हाईवे था, यहाँ से सारी गाड़ी और वाहन आते जाते थे और उस हाईवे पे गवर्नमेंट ने एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ था क्योंकि इलाका जंगल के पास था। मेहुल कंट्रोल रूम में कॉल करता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल बोल रहा हूँ, मुझे रॉक गार्डन के पीछे वाले हाईवे के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चाहिए पिछले 3 दिनों के। थोड़ी देर में सारे सीसीटीवी फुटेजेस मेहुल को मिल जाते हैं। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस को अच्छे से चेक करता है लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। फिर मेहुल मरे हुए मोर के सैंपल्स कलेक्ट करता है और डॉक्टर संजना की लैब में भिजवा देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है कि एक मरे हुए मोर की बॉडी के पास एक लड़की का बाल मिला है, हो सकता है उस गैंग में कोई लड़की भी हो, मुझे दोबारा से उस जंगल में जाकर छानबीन करनी चाहिए, हो सकता है मुझे कोई अच्छा सुराग मिल जाए। मेहुल अपनी कार से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में जाने के 3 रास्ते थे, पहला रास्ता रॉक गार्डन के पीछे वाला हाईवे है, दूसरा रास्ता जंगल के पीछे वाली नदी से होकर जाता है लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है, और तीसरा रास्ता बिल्कुल सीधा है लेकिन उस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल, ए बी या सी, सोचिए सोचिए। तीसरे रास्ते पर तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए ये रास्ता बंद होगा और पहला रास्ता रॉक गार्डन के पीछे वाला हाईवे है, लेकिन यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेजेस मेहुल देख चुका है, उसे कोई सुराग नहीं मिला और मेहुल को न्यू क्लूज चाहिए तो वो दूसरा वाला रास्ता लेगा। मेहुल दूसरा रास्ता लेता है और जंगल पहुंच जाता है। जंगल में थोड़ी देर तक छानबीन करने के बाद मेहुल को एक लेडीज पर्स दिखाई देता है। इस जंगल में इतना महंगा लेडीज पर्स, जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर उस पर्स को उठाता है और उसके अंदर खोलकर देखता है तो उस पर्स के अंदर एक फोटो और कुछ पैसे मिलते हैं। मेहुल पर्स के अंदर की कुछ चीजें देखकर शॉक हो जाता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल शॉक क्यों हो गया, सोचिए सोचिए। पर्स के अंदर मिले पैसों और फोटो को ध्यान से देखिए, वो पैसे इंडिया की नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर है और वो लड़की तो कोई विदेशी महिला लग रही है।
इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो अमेरिकन डॉलर है और ये लड़की तो कोई विदेशी लड़की लग रही है। लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इसके बाद मेहुल पूरे जंगल की तलाशी लेता है। पूरे जंगल का चक्कर लगाने के बाद मेहुल को तीन जगह पर डाउट होता है। तो क्या आप इन तीनों जगहों को देख के बता सकते हैं मेहुल को कौन सी जगह पर डाउट होता है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए। वैसे तो तीनों जगह पर लगभग एक जैसी कंडीशन है, लेकिन तीसरी जगह को ध्यान से देखिए। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी कुछ खा रहे हैं और कपड़ों के कुछ टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। अब भला इस घने जंगल में कपड़े कहाँ से आ गए? मेहुल तुरंत तीसरी वाली जगह पर जाता है तो वहाँ पर किसी इंसान की हड्डियाँ पड़ी हुई थी और जंगली पक्षी उसे खा रहे थे। वैसे तो सारी हड्डियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी, लेकिन हड्डियों को देख के और आसपास के क्लूज को देख के मेहुल समझ जाता है कि हड्डियाँ लड़की की थी। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो सबूत पड़े हुए थे। पहला, हड्डियों के पास लंबे लंबे बाल पड़े हुए हैं और दूसरा, हील्स पड़े हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी महिला की डेड बॉडी होगी जिसे जंगली जानवर पूरी तरह से खा चुके थे। ये केस तो बहुत सीरियस होते जा रहा है, मुझे किसी तरह इस डेड बॉडी के बारे में पता करना होगा। मेहुल उन सारी हड्डियों को एक पेटी में पैक करता है और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना हड्डियों का डीएनए करती है और मेहुल से कहती है, इन हड्डियों का और मोर की डेड बॉडी के पास मिले बाल का डीएनए मैच कर रहा है। मतलब जो बाल मिले थे वो इस लड़की के थे। हो ना हो ये वही विदेशी लड़की है जिसकी फोटो और पर्स मुझे जंगल में मिला था। मेहुल उस लड़की की फोटो गूगल सर्च करता है तो उसे उस लड़की का इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाता है। उस लड़की का नाम जूली है। मेहुल लड़की के बारे में और इन्फो निकालता है तो पता चलता है कि वो पिछले एक हफ्ते से गायब है। ये लड़की विदेश में रहती है लेकिन एक इंडियन लड़का उसका बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए वह उससे मिलने इंडिया आई है और उस लड़के का नाम राघव है। मुझे हर हाल में राघव तक पहुंचना होगा। मेहुल राघव के घर पहुंच जाता है लेकिन राघव के घर पे ताला लगा हुआ था। मेहुल आसपास के लोगों से पूछता है तो पता चलता है कि राघव एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और अक्सर जंगलों में ही रहता है। मेहुल राघव के मोबाइल नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस करवाता है। राघव इस वक्त शहर के सबसे बड़े जंगल में है, मुझे वहीं पर जाना होगा। मैं छुपकर राघव की हरकतें ट्रैक करता हूँ, समझेगा कि वो जंगल में करता क्या है। मेहुल अपनी कार से निकल जाता है। अब जंगल तक पहुँचने के लिए मेहुल के पास तीन रास्ते थे। पहला रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है और कच्चा है, यहाँ पर मेहुल की गाड़ी खराब हो सकती है। दूसरा रास्ता एक पुल से होकर जाता है और सीधा जंगल के मेन गेट के सामने लेके जाता है। तीसरा रास्ता बहुत ही शॉर्टकट है लेकिन उसके लिए मेहुल को एक नदी पार करनी पड़ेगी और वो जंगल के बीच में मेहुल को कहीं लेके चला जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से मेहुल कौन सा रास्ता चूज करेगा? सोचिए सोचिए। मेहुल के लिए तीसरा रास्ता सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि अगर मेहुल अपनी कार से जंगल में जाएगा तो राघव को पता चल जाएगा, फिर मेहुल छुपकर उस पर नजर कैसे रखेगा। मेहुल नाव की मदद से नदी पार कर लेता है और धीरे धीरे छुपते छुपते जंगल में घुस जाता है। जंगल में बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे जिनमें चंदन की लकड़ी भरी हुई थी और राघव उन सभी से पैसे ले रहा था। ये देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि राघव एक घूसखोर ऑफिसर है। मेहुल राघव को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है तो राघव बताता है कि वह जंगल में जंगली जानवरों और पक्षियों की तस्करी करता है। जूली उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी लेकिन वह राघव की सच्चाई जान गई थी, इसलिए राघव ने उसे मार दिया। मेहुल राघव को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।